नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, यूपी में अगर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को देखा जाए तो पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या कोई भी क्रिमिनल हो, अपराधी यूपी में अपराध करने के पहले 10 बार सोचता है। अगर आप पिछले 10 सालों को देख लें तो कोई इक्का दुक्का ही कोई बड़े दंगे या कुछ हुए हों तो हुए हों, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को। योगी जी के राज में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं और कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मैं योगी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ तो बनती है। जो इसके पहले जब और सरकारें थी, सपा सरकार थी या बसपा सरकार थी, तो सपा सरकार में गुंडे भरे पड़े थे और बसपा सरकार में भी समस्याएं थी। समाज जातियों में बहुत ज़्यादा बटा हुआ था, पर आज के टाइम आप अगर देखेंगे तो जातिवाद की घटनाएं भी बहुत कम आती हैं, तो किसी सफल सरकार के लिए अच्छी बात है। अगर हम बात करें अपराधियों की, तो अपराधी तो अब यूपी में टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से देख लीजिए, एक एक अपराधी या तो यूपी छोड़ चुका है या उसने सरेंडर कर दिया है या उसने अपराध करना ही बंद कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही मेंटेन होता है और बहुत से अधिकारी हैं जिन्होंने इस यूपी को अच्छा राज्य बनाने में सहयोग दिया है, तो ऐसे लोगों को शुभकामनाएँ। और यूपी योगी के काम से खुश है, इस बात को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद, वंदे मातरम।